साथियों नमस्कार। साथियों आज बड़ा पावन दिवस है। आज तो एक तो धनतेरस, मतलब शाम को 6 बजे तक धनतेरस, और फिर इसके बाद 14 मतलब हनुमान जी की जयंती, और विशेषकर धन्वंतरी जी की। आज धन्वंतरी जयंती भी है, मतलब धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। और देखिए धन्वंतरी जी के साथ ही ये पारिजात हर श्रृंगार का वृक्ष भी उसी समुद्र मंथन से निकला है, ऐसा प्रसंग में आया है और ऐसी मान्यता है। तो चलिए ये तो एक अद्भुत संयोग है कि आज हम उसी हर श्रृंगार के वृक्ष के नीचे ही देखिए खड़े हुए हैं। ये सुंदर फ्लावर हैं हर श्रृंगार के, जो सुबह 4 बजे प्रातः 4 से 5 के बीच में सूर्य जी को नमस्कार करने के लिए पृथ्वी पर अपने आप ही गिरने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा संयोग है। और ये देखिए कुछ फूल अभी हैं इसमें, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा आज का एक संयोगात्मक वो है कि मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ अपने ही हर श्रृंगार के वृक्ष के नीचे। ये बहुत ही पावन चीज़ है और इतने सुगंध होती है इन फूलों में कि पूरा वातावरण प्रदूषण रहित हो जाता है। आप ये समझिए इतनी दिव्यता है इसमें, जितनी बखान की जाए उतना कम है। देखिए समुद्र मंथन ही दुनिया का मंथन है। समुद्र मंथन उसे मत मानिए, वो दुनिया का मंथन है। उससे 14 रत्न निकले। तो जो समाज, जो देश, जो वर्ग उन 14 चीज़ों पर अपना प्रभुत्व रखेगा वही इस दुनिया में राज करेगा। देखिए जब तक ब्रिटेन सामुद्रिक शक्ति में अव्वल था, नंबर 1 था, तब तक उसकी पूरे दुनिया में हुकूमत चली। अब समुद्रिक शक्ति से वह उसका पलावन हो गया है। तो देखिए हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये 2-2 महीने में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। ये आप देखिए वही सशक्त देश आज कितना निर्बल होता जा रहा है। क्यों कि अब भाई कोहिनूर जैसे हमारा रखे हैं, वो भाई भारतीयों का कोहिनूर रखे हुए हैं, कब तक रखे रहेंगे? ये यही तो रतन है, ये रतन भी तो समुद्र मंथन से निकले हैं। तो जो इन पर कब्जा कर रखेगा वही दुनिया में राज करेगा। अब देखिए कोरोना पॉजिटिव महामारी, कोविड महामारी आई, जो मेडिकल रूप से जो देश सशक्त रहे उन्होंने अपने नागरिकों की भी जानें बचाई और दूसरे देशों की मदद भी की, जिनमें हमारा देश अग्रणी है। यदि हमारा देश इस समय इतना सक्षम नहीं होता कि हम दवा अगर नहीं बना पाते तो आप ये समझिए कि हमारे नागरिक भी कालकल्पित होते और हम दूसरों को मदद भी ना कर पाते। तो समुद्र मंथन से अश्व ही निकला। अश्व घोड़ा मतलब पावर, जिसके पास पावर होगा वही तो राज करेगा। देखो सर्वप्रथम समुद्र मंथन से हलाहल निकला, कालकूट जहर निकला, मतलब आप ये समझिए कि उस जहर को अगर कोई शोधन कर सकता है, कोई पी सकता है, तो ये वृक्ष पी सकते हैं या भगवान शिव पी सकते हैं। भगवान शिव के ही स्वरूप हैं ये वृक्ष, इसलिए ये दिव्य हैं और इनको जन जन को इनका संरक्षण करना चाहिए और संवर्धन भगवान शिव की तरह करना चाहिए। अब देखिए उसी समुद्र मंथन से ये शंख जीवी निकले, और जहाँ शंखनाद होता है वहीं विजय की प्रतीक होता है शंख। महाभारत में शंख से ही शंखनाद हुआ था। अब भाई समुद्र मंथन से ही माँ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये शंख हुए, पारिजात वृक्ष हुए, धन्वंतरी जी हुए, ये सब सहोदर भाई बहन है। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र मंथन के समय 2 ही संस्कृतियां थीं, एक सुर और असुर, ना कोई जाति थी और ना ही कोई धर्म और संप्रदाय थे। इन्हीं दोनों में झगड़ा हुआ था, सुरों में और असुरों में, इन्हीं देव संस्कृति में हुआ था। और 14 जो रत्न निकले थे वो आपस में बांट लिए थे, मतलब देखिए कितनी समझदारी भी थी आपस में। अब तो इससे ये स्पष्ट है कि हमेशा इस समाज में या पूरी दुनिया में हिस्सा बांट की ही लड़ाई आदिकाल से अनंत काल से होती चली आई। अब देखिए समुद्र मंथन को लोग बाग झूठा मानते हैं, हाँ चलो भाई क्योंकि उसका कोई प्रमाणिक वैज्ञानिक तथ्य तो नहीं है, लेकिन प्रसंग तो सत्य है।
प्रसंग को तो हम सत्य मानेंगे, प्रसंग तो कोई भी बना सकता है, कोई भी संस्कृति वाले बना सकते हैं। आप भाई, आप अगर दूसरी संस्कृति के हैं तो आपको रोका थोड़ी गया था कि आप अच्छा प्रसंग ना बनाएं, लेकिन ये प्रसंग ही सत्य है। समस्या तो ये है कि मंथन से ही दुनिया के सारे रहस्य निकलते हैं। बिगर मंथन और विचारण के कोई भी रहस्य नहीं निकलता। ये समुद्र मंथन इस बात का प्रतीक है। और दुनिया में दो ही संस्कृतियां हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन्हीं में पूरा संवाद और पूरा प्रभुत्व के लिए झगड़ा है। और सकारात्मक संस्कृति पर विजय प्राप्त करना और जीत प्राप्त करना ही दिवाली का उद्घोष है। मतलब रावण को सभी लोग जानते ही हैं, रामचरितमानस और रावण के बारे में क्या बताना। लेकिन एक नकारात्मक संस्कृति को जब समाप्त किया गया, तब भगवान जब अयोध्या लौट के आए तो खुशी में दीपावली मनाई गई। लेकिन उससे पहले धन्वंतरी जी की पूजा जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी सारे त्यौहार हैं और तभी सारा जीवन है, वरना सब व्यर्थ है। तो स्वस्थ रहने के लिए वृक्षों को अपने नज़दीक रखें और वृक्षों की रोज़ सेवा करें। इससे बढ़कर और कोई शिव नहीं है, शिव ही के प्रतिरूपक हैं ये वृक्ष। मैं आज आपको दिखा तो बहुत सारी औषधि जड़ी बूटियां को चाहता था कि मैं काफ़ी जड़ी बूटियां आपको दिखाऊं, काफ़ी औषधि का जानकारी आज दूँ, क्योंकि आज धन्वंतरी जी की जयंती है तो इसलिए बहुत अधिक आपको जानकारी दूं। लेकिन एक ही पौधा काफ़ी है, क्योंकि यही आपके डायबिटीज के लिए है ये, और आपके ब्लड प्रेशर के लिए है। यदि ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो हार्ट अटैक या अन्य चीज़ आएगी ही नहीं, लीवर कभी ख़राब होगा ही नहीं। तो एक के सधे सब साधें सब जाए, तो एक ही वृक्ष को पकड़ लीजिए, हर श्रृंगार को ही पकड़ लीजिए, सुंदर सुगंध भी लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वृक्ष को अगर घर में आपने लगा लिया, जो समझदार लोग हैं वो इस वृक्ष को जरूर लगाते हैं, इसको और तुलसी जी को और आंवले को, तीन वृक्ष कार्तिक माह में पूजे जाते हैं। हर श्रृंगार, तुलसी और आंवला, इन तीन वृक्षों को अगर आप इनके नज़दीक भी हैं तो आप ये समझिए कि आप निरोग रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और ईश्वर की आपकी आप पर कृपा बरसती रहेगी, विशेषकर धन्वंतरी जी की। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है, गठिया साइटिका के दर्द निवारक के लिए, तो ये रामबाण है। पांच पत्ते रोज इस तरह से तोड़िए और रोज इनको ऐसे खा जाइए, कच्चा ही। और नहीं, अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो इनको पाउडर बना लीजिए, इनकी गोली आप बना सकते हैं। सुबह आप गर्म पानी के साथ इनको सूप के रूप में आप पी सकते हैं। इस तरह से रोज पीजिए आप। मैं एक अभी गांव में भ्रमण में गया था, वहां के हमारे एक परिचित हैं, उनका ब्लॉग हमारे पास डला है, जो सुबह 4 बजे भ्रमण करके आए थे। उनके पास हाथ में अगर हमने जब देखा तो यही हर श्रृंगार के पत्ते थे। तो ये प्रमाणिक चीज़ है, आप इनका रोज़ सेवन करें। अभी फूल खिल रहे हैं, फूलों का ही आनंद लें, फूल खाएं भी और स्वस्थ रहें। अच्छा, मैंने तो थोड़ा मंथन किया कि दीपावली वास्तव में एक आध्यात्मिक त्यौहार मात्र है या इसमें कुछ और रहस्य छिपा हुआ है। मैंने कहा इनको ज़रा देखें तो, कि आदिकाल से भगवान राम जी के समय से ये परंपरागत रूप से मनाया जाता है ये त्यौहार, और नवरात्रि से प्रारंभ हो जाता है। तो वास्तव में क्या है इसमें, रहस्य क्या है? तो जब रहस्य निकला तो पता पड़ा कि अभी देखिए, पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन विगत अगले माह भारत में होने जा रहा है, जिसमें जी कंट्रीज के सभी बड़े बड़े देश शामिल होंगे और उनका नेतृत्व भारत करेगा। मैं तो ये अपेक्षा करता हूँ नीति आयोग से कि वो दीपावली का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरी दुनिया को समझाएं कि देखिए, नवरात्रि के पहले दिन हम लोग जौ का रोपण करते हैं माता जी की पूजा के उद्देश्य से, और वहीं से एक सकारात्मकता का एक बीज बोते हैं। जौ ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सर्वप्रथम जौ का खाद्यान्न के रूप में सबसे पहले उपयोग किया गया, इसका प्रमाणिक वेद है ऋग्वेद, जिसमें लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम जौ की खेती हुई। और देखिए, अब जौ
नवरात्रि भर, पूरा नवरात्रि में जौ का हम लोगों ने मतलब बोया, फिर उनकी सेवा की और फिर उस मिट्टी को हमने उर्वरक बनाया। तो दो काम किए, एक तो रचनात्मक काम किया, एक छोटी सी जो मिट्टी है उसको हमने विभिन्न जो शहद है, दूध है, दही है आदि का उसमें अर्पण करके उस मिट्टी को हमने उर्वरक बना दिया और वो मिट्टी को हमने जल में अर्पित किया, तो जल भी शुद्ध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब दीपावली नज़दीक आ रहा है तो पहले धन्वंतरि जी की हम पूजा करते हैं। देखिए मतलब आयुर्वेद को, स्वास्थ्य को, पूरी दुनिया को, इसमें धर्म से मत जोड़िए। धर्म से जो लोग जोड़ देते हैं कि ये मात्र हिंदुओं का ही त्यौहार है, वहीं संकीर्णता आ जाती है। संकीर्णता नहीं, न राम अकेले हिंदुओं के हैं, राम पूरी दुनिया के हैं। उसी तरह से आयुर्वेद पूरी दुनिया का है, एक पौधा पूरी दुनिया को फ़ायदा देता है, पूरी दुनिया को छाया देता है। ये सुगंध अगर इसमें जो फूलों में आ रही है वो कोई बांटता थोड़ी है कि नहीं बांट देगा कि नहीं नहीं तुम फला ग्रुप के हो, तुम फला ग्रुप के हो, हम तुमको सुगंध देंगे तुमको नहीं देंगे, वो तो सबको देता है। तो उसी तरह से जो है ये त्यौहार है दीपावली का, कि देखिए पहले अब धन्वंतरि जी की पूजा की, फिर इसके बाद गोवर्धन, गौवंश, गौ मतलब जहाँ गौ है वहीं सकारात्मकता है। सकारात्मकता मात्र एक शब्द मत सोचिए, वहीं जीवन है ये कहिए। अच्छा, फिर देखिए गोवर्धन मतलब पहाड़, पहाड़ से क्या है प्रकृति का स्थायित्व, मन का स्थायित्व, और प्रकृति से ही, पहाड़ से ही क्या है मानसून का और प्रकृति का संचालन होता है, भाई सीधी सी बात है। फिर देखिए नौमी आ जाएगी जिसमें हम आंवले का वृक्ष का वो करते हैं, आंवले का मतलब शक्ति, शक्तिवर्धक। और फिर देखिए आ जाएगी एकादशी, एकादशी में हम गन्ने की फसल का संरक्षण संवर्धन करते हैं और घर घर गन्ना ले जाते हैं। और फिर देखिए कार्तिक पूर्णमासी आ जाएगी तो गंगा जी का पावन नहान होगा, मतलब शरीर को हम तरोताज़ा करेंगे और बलिष्ठ करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जीवन का, कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे स्वस्थ रहा जाए। दीपावली को सिर्फ अध्यात्म तक अगर सीमित हम कर देंगे तो हम उसके जो बहुआयामी रूप है उसको हम छोटा कर देते हैं। तो इसको तो पूरे विश्व में फैलाना चाहिए, पूरे विश्व में हमारे नेताओं को, हमारे जो उत्तरदायी लोग हैं, हमारे जो आचार्य लोग हैं, कथाकार हैं, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी परसों ही देखिए वहाँ पर अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव साहब आए थे उनके सामने इस बात को रखा, प्राचीन हमारी और संस्कृति को कि वो वास्तव में आज के जीवन के लिए वो एक शक्तिवर्धक और मतलब बहुत ही प्रमाणिक और जीवन उपयोगी सनातन व्यवस्था है, इसको पूरे विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। और श्री महासचिव महोदय संयुक्त राष्ट्र संघ के यही जानने आए थे, हमारी संस्कृति को जानने आए थे। तो दीपावली से अच्छा और कोई प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए इससे ज़्यादा और कोई अच्छी प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती। ये तो एक प्रोजेक्ट समझिए, सालाना और हर साल का। देखिए इसी टाइम ये सुंदर फूल, आप प्रकृति देखिए इस समय पूरी अपनी दिव्यता पर है, पूरे स्वस्थ पौधे आपको दिखाई देंगे, स्वस्थ वातावरण दिखाई देगा, स्वस्थ वायुमंडल दिखाई देगा इस दीपावली पर। विशेष रूप से देखिए ऊपर आप आम का वृक्ष देखिए पूरा पुष्पित हो रहा है इस समय, मतलब हरे भरे पत्ते निकल रहे हैं लाल लाल। हाँ, हर पत्ते में आप देख लीजिए, कोई भी आप पौधा देख लीजिए, छोटा पौधा आपको दिखाते हैं ऑर्नामेंटल, ये देखिए ऑर्नामेंटल पौधा है, ये कितने सुंदर है देखिए, हैं एग्लोनिमा का, ये कितना सुंदर है। तो ये देखिए, अगर भाई अगर आप कुछ नहीं लगा सकते हैं बड़ा पौधा तो आप सेंसवेरिया ही लगा दिए, 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है, प्राणवायु मतलब जीवन देता है। तो इन पौधों को आप घर घर में लगा सकते हैं, एग्लोनिमा लगाएं, ये भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, घरेलू वैसैली गैसों का शोधन करता है। इसी तरह से ये देखिए बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसको लगाइए, सेंसवेरिया को लगाइए, स्नेक प्लांट है इसको लगाइए, और हाँ प्रकृति से जुड़े रहिए, हमारा तो उद्देश्य यही है। और चलिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्वंतरि जी की हार्दिक शुभकामनाएं, एक औषधि पौधा अपने घर में गमले में जरूर लगाइए, अगर तुलसी जी आपके घर नहीं लगी हैं तो आज ही लेके आइए और आज रोपित करिए। हरसिंगार का पौधा घर में लगाएंगे तो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा आपके घर का, तो खुशहाली भी आएगी।
और सुगंध भी आएगी। चार चार महीने इनके फूल खिलते हैं बहुत सुंदर। तो चलिए आनंद लीजिए प्रकृति का और दीपावली को आनंद के साथ मनाइए। आतिशबाजी जरूर चलाइए लेकिन कौन सी, जिसमें पोटास हो, वो ग्रीन ग्रीन आतिशबाजी लेके आइए। और आतिशबाजी चलाना भी एक तरह से बहुत आवश्यक है, नहीं देश में टिड्डी दल आक्रमण कर देगा। ये हमने बहुत गहराई से जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि भारत में टिड्डी दल समय समय पर अटैक किया करते थे और फसलों का को चट कर जाते थे। तब ये आतिशबाजी का एक विशेष इस महीने में ये विशेष आयोजन एक तरह से किया गया। और भाई अब ज़्यादा भगवान के टाइम आतिशबाजी चली थी कि नहीं चली थी, ये तो एक गहन विषय है, शोध का विषय है। लेकिन इतना हमें मालूम है कि टिड्डी दल ने आक्रमण किए थे तो कनस्टर, टीन, थाली और फटाके चलाए गए थे। तो चलिए ज़रूर चलाइए जिससे टिड्डी दल भारत में अटैक ना कर पाए और हमारे किसानों की फसलें सुरक्षित बने। और पोटास ऐसी उर्वरक चीज़ है कि पोटास जब आप वायुमंडल में फैलाएंगे तो जो जो तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का जो दंश पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, उसमें कमी आ जाएगी, तापमान कम हो जाएगा। कितनी बड़ी पोटास, पोटास वो चीज़ है जो खनिज और मिट्टी से बनता है, मतलब एक तरह से ईश्वर ने उसको बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, और वो एक तरह से तापमान को कम करने के लिए बनाया है। तापमान कम रहेगा तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, महासागर की बर्फ़ें पिघलना बंद हो जाएंगी। तो दीपावली का ये सबसे बड़ा कार्य है, ये कार्य जरूर करिए और दीपक जलाइए, घी का दीपक, तेल के दीपक जलाइए और दीपावली बहुत हर्षोल्लास से मनाइए। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। देखिए धन्यवाद भी दे दिया और जय हिंद भी कर लिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय रह गया। देखिए उनके बारे में तो कहावत ही है, का चुप साध रहा बलवाना, बल को याद दिलाना पड़ेगा तभी पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं और उनको अपना बल याद आता है। बताइए आज हनुमान जी की जयंती है और पूरा प्रसंग समुद्र मंथन पे और प्रकृति संरक्षण पे और दीपावली पे चल गया और परम देव श्री हनुमान जी महाराज को हम के बारे में बोलना ही भूल गए। देखिए सामने है अशोक जी का वृक्ष, जब ये वृक्ष सामने हमारे आया तब श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज हमको याद आ गए। पूरी रामचरितमानस को आप पढ़ डालें, उसमें कई बार रक्षा शब्द आया है और रक्षा के लिए ही माता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की है कि हमारी रक्षा करो। और हनुमान जी महाराज इसी अशोक वृक्ष में जाके छिप कर बैठे हैं, अशोक वाटिका में। तो भाई और ये बड़ा दिव्य पौधा है, घर के सामने अगर इसको आप लगा लेते हैं तो आपके घर की सकारात्मकता शक्ति बढ़ जाती है। तो इसको ज़रूर स्थान दीजिए और इनको ज़रूर लगाइए, इसी दीपावली में लगाइए और अपने घरों के सामने लगाइए। घर के अंदर लगाना है तो छोटा पौधा लगाइए, 5 फीट से कम, और 5 फीट से अगर ज़्यादा पौधा ऊंचा हो जाए तो फिर उसको घर के बाहर लगाइए। तो बस ये भी बात एक पूरी हो गई। अब भाई काफ़ी बड़ा ब्लॉक हो गया है, अब तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और हम भी अब जो है धन्वंतरि जी के कार्य हेतु कोई पेड़ पौधा जरूर लगाएंगे आज, और जब लगाएंगे तब फिर आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।